आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि न्यूज साइट मैप कैसे बनाएंगे। अगर आपको गूगल न्यूज का अप्रूवल मिल गया है तो न्यूज साइट मैप भी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर न्यूज साइट मैप आप नहीं बनाओगे तो आपको ज़्यादातर ट्रैफिक नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे न्यूज साइट मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले अगर आपने गूगल न्यूज का अप्रूवल नहीं लिया है तो मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है कि गूगल न्यूज का अप्रूवल आप कैसे ले सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का, साथ ही साथ आई बटन पर मिल जाएगा। आप गूगल न्यूज़ का सबसे पहले अप्रूवल ले लेंगे। और यदि आप न्यूज़ साइट चलाते हो तो आपको ट्रैफिक की ज़रूरत है। डिस्कवर से आपको ट्रैफिक मिलना चाहिए, आपको गूगल न्यूज़ से ट्रैफिक मिलना चाहिए, तो ऐसे में न्यूज़ साइट मैप बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड ऐसी ही जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में चले जाना है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको प्लगइन एंड ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, बिल्कुल फ्री है। आपको यहाँ पे लिखना है न्यूज, ठीक है, न्यूज साइट मैप। अब यहाँ पे मैं न्यूज साइट मैप लिख देता हूँ। न्यूज साइट मैप लिखने के बाद आपके सामने कुछ प्लगइन शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप पहला वाला प्लगइन देख सकते हैं जिस पे 1,00,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, और XML साइट मैप एंड गूगल न्यूज ये है। इसे इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद इसे आपको एक्टिवेट कर देना है। अब बहुत सारे ऐसे प्लगइन भी होते हैं जो न्यूज़ साइट में फ्री में आपको बना के देते हैं, जैसे कि योस्ट SEO हो गया प्रीमियम वाला, रैंक मैथ हो गया, तो ये सब भी प्रोवाइड कर देते हैं, बट आपको मैं फ्री ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसे एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद अब कुछ सेटिंग्स भी इसमें करने होंगे जिससे आपका न्यूज़ साइट मैप क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं XML साइट मैप एंड गूगल न्यूज, तो सेटिंग में इसके चलते हैं और इसे हम एक्टिवेट करना सबसे पहले सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इनेबल XML साइट मैप्स, ये XML साइट मैप्स इंडेक्स होगा यहाँ से, और गूगल न्यूज साइट मैप, ठीक है, तो ये अनचेक है, यानी कि हमारा न्यूज साइट मैप नहीं जनरेटेड है, तो ठीक है। अब इसे चेक कर देना है और सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है। अब सेव चेंजेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका न्यूज साइट मैप भी यहाँ पे दिखेगा, XML साइट मैप भी आपका दिखेगा और गूगल न्यूज साइट मैप भी दिखेगा। अब चलिए इसे व्यू कर लेते हैं। अब व्यू करेंगे तो यहाँ पे अभी देखिए आपका साइट मैप पूरा जनरेट हो चुका है। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, XML साइट मैप भी यहाँ पे आपको व्यू करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका XML यहाँ पे साइट मैप रूट, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट के लिए भी, ठीक है, पेज के लिए भी और ऑथर के लिए भी यहाँ पे आपका साइट मैप जनरेट हो गया है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बताऊंगा, यदि आप कोई पहले से ही यहाँ पे साइट मैप यूज कर रहे हैं, जैसे रैंक मैप प्रोवाइड करता है, योस्ट SEO प्रोवाइड करता है, तो इसमें आपको क्या करना है, यदि आपने न्यूज साइट मैप के अलावा आपका कोई पहले से साइट मैप यहाँ पे है, जैसे पोस्ट पेजेस कैटेगरी इन सब की है, तो सिंपली आप इसे अनचेक कर देंगे पहले वाले को, ताकि आपका दोबारा से यहाँ पे साइट मैप ना क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे पहले वाले को अनचेक कर देना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अगर आप केवल इसी प्लगइन को यूज कर रहे हैं साइट मैप के लिए तो फिर आप दोनों को चेक रखेंगे। तो ये था सिंपल सा, यहाँ पे न्यूज साइट मैप आपका जनरेट हो गया। अब ये जो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो न्यूज साइट मैप है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो न्यूज साइट मैप है, इसे आपको गूगल सर्च कंसोल में पेस्ट करना है। अब कैसे करना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले इसके लिंक को कॉपी कर लेना है, जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको जाना होगा सर्च कंसोल के अंदर, ठीक है। सर्च कंसोल में आने के बाद आपको अपना डोमेन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा यहाँ पे सर्च कंसोल में अभी वो डोमेन ऐड नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली सर्च कंसोल में आना है और साइट मैप्स में आना है, और यहाँ पे आपका अपना जो न्यूज साइट मैप है वो पेस्ट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और सबमिट कर देना है, ठीक है। तो बस इतना काम आप कर दोगे, आपका न्यूज साइट मैप जो है वो जनरेट हो जाएगा और सर्च कंसोल में सबमिट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए अगर कोई भी डाउट हो आपको। धन्यवाद।